आज से कुछ दिनों पहले आई वेंट टू औरंगाबाद फॉर अ टेट टॉक. बहुत सारे लोग मुझे मेरी कहानियों के लिए जानते हैं, कहानी सुनाने मैं वहाँ पर गई थी. और पता है, कुछ दिनों पहले ही ना मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये वाली शर्ट, ये वाली स्कर्ट और ये वाला टॉप पहनूंगी. ऐसे कभी कभी हम मिक्स मैच करते हुए कपड़े पहनते हैं और हमें लगता है यार क्या क्लास लग रहे हैं हम, है ना? हुआ तुम्हारे साथ? मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं ये पहनूंगी यार. आई वॉज सो एक्साइटेड. टेट टॉक वाले दिन मैंने फटाफट से मैं तैयार हुई और आई वॉज सुपर एंथुजियास्टिक. आई सैट इन द ऑडियंस टू हियर टू डिफरेंट स्पीकर्स और मेरे पास में एक अंकल बैठे थे. वो अंकल बैठे थे और मुझे बुड्ढे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट होते हैं वो, है ना? अनोइंग भी होते हैं लेकिन क्यूट होते हैं मोस्टली. तो वो मेरे पास में बैठे थे, 95 ईयर्स ओल्ड. वो एक स्पीकर के फादर थे, यानी वॉज टॉकिंग टू मी. बात करते करते ही सेट कि बेटा तुमने ये चड्डी क्यों पहन रखी है? चड्डी क्यों पहन रखी है? आई वॉज लाइक वॉट? बट ही वॉज 95 ईयर्स ओल्ड, स्पीकर के फादर थे. तो मैंने सोचा आई विल नॉट से एनीथिंग. ही कंटिन्यूड स्पीकिंग अबाउट इट कि उसको देखो उस लड़की ने पूरी जीन्स पहन रखी है, अच्छी लग रही है ना, तुम भी इसको चेंज कराओ. ये देखो इधर, ये तुम ये चड्डी नहीं पहननी चाहिए बेटा, चड्डी बहुत बुरी चीज़ होती है. मैंने कहा अच्छा ठीक है. आई वॉज लाइक वनिका कंट्रोल यू कांट. वनिका प्लीज, ये जो चड्डी होती है ना इसी से सारा हराम होता है. मैंने कहा वनिका शांत. बट देन ही कंटिन्यूड स्पीकिंग अबाउट इट एंड आई वॉज सो डिस्टर्ब्ड बाय दिस दैट आई गॉट अप एंड आई वेंट टू बैक स्टेज. मुझे ऐसा लगा यार मुझे इस बात को ना एड्रेस तो करना है. तो मैं आई स्टेज पे अपनी टेट टॉक देने के लिए. मैंने कहा भाड़ में गई टेट टॉक की स्क्रिप्ट, बात करते हैं. मैंने कहा यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, तुम भी बताना, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि सही और गलत जैसा कुछ होता है? मुझे लगता है बिल्कुल सही हो, सही और गलत जैसा कुछ होता है, लेकिन सही और गलत सिर्फ नज़रिया होता है. जैसे कई लोगों को मेरा ये स्कर्ट पहनना ना बहुत बुरा लग सकता है, पर मैं ना बहुत बढ़िया लग रही हूँ और ये मुझे पता है. और पता है ये बात ना उन अंकल को पसंद नहीं आई क्योंकि वो आगे आगे बैठे थे. लाइक अरे चड्डी पहन के क्या हुआ? ही गॉट अप एंड स्टार्टेड सेइंग ऑल ऑफ इट एंड आई गॉट टेंस्ड. आई वाज हियरिंग इट ऑन द स्टेज एंड एवरीबॉडी आल्सो वाज हियरिंग इट. पीछे से एक लड़की ने आवाज लगाई मेरी टेड टॉक पे, गाइस कल चलेगी क्या? हेकलिंग. वनिका यहाँ पे बहुत सारे लोग ना तेरी बात सुनने आए हैं. जस्ट से व्हाट यू वांट टू से बिकॉज तेरी कहानी बहुत ज़रूरी है. मैंने पूरी कहानी बोली, वहाँ से उठ के बाहर गई. मैंने कहा था कौन ये बंदा, पता लगाओ. इन 95 ईयर अंकल का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, उसको तो मैं बताऊँगी. पर ना इस अंधेरे में ना दिखता नहीं हो कौन ऐसा इंसान है, और ऐसे लोग ना अंधेरे में ही बोलते हैं. मैं घर आई, मैं होटल में वापस आई और मैंने डिसाइड किया कि अब ना काम डाउन. मैंने फ़ोटोज़ भेजे अपने फैमिली ग्रुप पे, वीडियोस भेजे, मेरे को सर्टिफिकेट मिला था. आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, यू नो द इंटायर इंसिडेंट एंड व्हाट हैपन्ड आफ्टर दैट. द वे पीपल सॉ मी मेड मी फील वेरी अनसेफ, वेरी वेरी वियर्ड. आई फेल्ट लाइक आई वॉज सो अलोन. मैं फ्लाइट में बैठी एंड मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि कहाँ पर है. मम्मी मूड बहुत ख़राब हो रहा है, अभी बात नहीं करनी. अरे क्या तरीका हो गया ये, क्या हो गया ये, बोल तो सही. मम्मी मेरे को बात नहीं करनी. मैंने फ़ोन काटा और मैं रोने लग गई. उस रात मम्मी ने मुझे बहुत फ़ोन किया लेकिन मैंने नहीं उठाया. अगले दिन सुबह मैंने मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी ने पूछा क्या हुआ था, तो उससे मुझे याद आया मम्मी का वो चेहरा जब मैंने उन्हें टॉक के बाद वीडियो कॉल किया था और उन्होंने पूछा था तूने स्कर्ट पहनी है. उनके चेहरे पर भी वही डिसअपॉइंटमेंट था और मुझे लगा मेरी माँ मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, इसीलिए उस टाइम पे मैंने उन्हें कुछ बोला नहीं. मैंने अपने मन अंदर ही बात दबा ली और मैंने कहा कि मन बहुत था मेरा उन्हें बताने का क्योंकि वो मेरी माँ है यार, पर मैंने कहा नहीं. मैंने कहा वो वीडियो का थोड़ा इशू हो गया था इसीलिए मैंने नहीं किया. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर ना पापा तेरे से बात करना चाह रहे हैं, पापा से बात कर ले. पता है पापा ना जब बात करना चाहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पापा बहुत बिजी रहते हैं. और मम्मी ने जब बोला कि पापा बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने रात को दो बार बोला था कि विधि को बोलना कि बात कर ले. तो मैंने कहा अरे मैं पापा से बात करती हूँ. उसी टाइम आई कॉल्ड माई फादर एंड ही स्टार्ट टॉकिंग, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हाल चाल है. एंड देन ही सेड कि बेटा तेरी मम्मी ना कुछ कहना चाह रही थी पर उन्होंने कहा नहीं, तो मैं कह देता हूँ. मैंने कहा हाँ बोलो.
ये छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, छोटे कपड़ों से ना कुछ अलग लगता नहीं है, पता नहीं चलता कि हम कौन है। ये जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे ना तेरी वीडियो व्हाट्सएप पे डालनी थी लेकिन मैंने डाली नहीं, क्योंकि बहुत अजीब अजीब तरीके लोग होते हैं। तू सही है लेकिन दुनिया में बहुत अजीब तरीके के लोग हैं, वो मेरी बेटी के बारे में कुछ बोलेंगे ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने तेरी वीडियो नहीं डाली। ये मैं तेरे से सिर्फ इतना चाहता हूँ, मैं बुरा नहीं चाहता तेरा, मैं तेरे से सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू ना ढंग से रहे। हमारे लिए अगर कुछ कर सकती है ना तो सिर्फ इतना कर कि बस ढंग से रह कर, कपड़े ढंग से पहना कर। यूजुअली वनिका इस बात से बहुत अग्रेसिव हो जाती है कि यार ये पापा क्या बोल रहे हैं यार, ये पापा समझते नहीं है, बट उस टाइम पर मुझे लगा मेरे पापा सही है तो मैंने हाँ जी करके फोन काट दिया, पर आई वाज क्राइंग। यार मेरे माँ बाप की फिक्र गलत नहीं थी क्योंकि औरंगाबाद में मैंने वो फेस किया था, हुआ था मेरे साथ, आई वाज शेम्ड। पर यार मैं भी तो गलत नहीं थी ना यार, पता बचपन में ना मैं बहुत स्किनी हुआ करती थी, बहुत पतली, अभी भी हूँ पर बचपन में तो मैं बहुत पतली थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी कैसी लगती है, मेरे मम्मी पापा को लोग कहते थे कि इसको कुछ खिलाया पिलाया करो, और आई वॉज सो कॉन्शियस अबाउट माई बॉडी दैट आई यूज टू हाइड बिहाइंड क्लोथ्स। मैं बड़े बड़े लंबे लंबे कपड़े पहनती थी, सिर्फ कुर्ते पहनती थी क्योंकि मुझे आई डिड नॉट वॉन्ट टू शो माई स्किन, इसलिए नहीं क्योंकि मैं संस्कारी थी, इसलिए बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इन माई ओन स्किन। फिर जब मैं बॉम्बे आई तो मैंने खुद से एक जंग लड़ी यार, अपने मन से अपने दिल से वो कपड़े पहनने के लिए जिसकी जो मैं चाहती हूँ पहनना। कभी भी इसलिए नहीं पहना क्योंकि दुनिया में छोटे और बड़े कपड़ों से किसी का नजरिया बदलता है, इसलिए पहना क्योंकि यार आई वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई बॉडी यार, आई वॉन्ट टू फील लाइक मेरे को जो मन में आएगा ना मैं वो पहनना चाहती थी और ये कॉन्फिडेंस ना मैंने जीता है। पर मेरे माँ बाप की फिक्र भी सही है यार, फिक्र या मेरी जीती हुई जिद, क्या करूं यार। तब मुझे रियलाइज हुआ ओवरथिंकिंग करने से, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल ओवरथिंकर, कि ना मेरे माँ बाप की फिक्र सही है पर आज अगर मैं उनकी फिक्र से दब गई ना, या फिर मैंने अपनी चॉइसेस गिव अप कर दी ना, तो कल अगर किसी दूसरी लड़की ने चूज किया कि वो दबना नहीं चाहती और वो जो पहनना चाहती वो पहनेगी, तो मेरे माँ बाप ही वही दुनिया बन जाएंगी जिससे वो मुझे बचाना चाहते हैं। कल अगर मेरे पापा किसी को देखेंगे ना स्कर्ट में, तो शायद उनके दिमाग में बच जाएगी कि इस लड़की ने अपने बाप की बात नहीं मानी। वो 95 ईयर ओल्ड अंकल जिन्होंने मेरी टेट टॉक खराब की थी ना, मेरा एक इम्पॉर्टेंट डे खराब किया था ना, कल हो सकता है कि मेरा कोई क्लोज रिलेटिव वही इंसान बन जाए। पर आज अगर उनकी बेटी ये जंग लड़ती है तो कल वो किसी और की बेटी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, ना वो किसी और को वैसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से किसी और ने मुझे परखा था और मुझे ये फील कराया था कि एक बेसिक चॉइस वो पहनने की जो मैं पहनना चाहती हूँ वो मेरी सबसे बड़ी भूल है। नहीं यार, हम कपड़े इसलिए नहीं पहनते, हमारे जो कपड़े होते हैं ना वो बताते हैं कि हम कौन हैं। वो पहनना जो हम पहनना चाहते हैं मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, और मेरे पापा भी तो यही चाहते हैं ना कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बेटी बनूं। यार मेरे पापा गलत नहीं है यार, मुझसे बहुत अलग है। मेरी माँ उनकी फिक्र वो गलत नहीं है यार, बस मुझसे बहुत अलग है। खूबसूरत है मेरे माँ बाप यार, उनको फिक्र है मेरी और मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आज मैं उनसे डिसएग्री भी करती हूँ क्योंकि उनकी बेटी ऐसी है जो झांसी की रानी पैदा हुई है। एक बार टूटूंगी, दो बार टूटूंगी, चार बार टूटूंगी, लेकिन गिर गिर कर खुद को खोऊंगी नहीं। तब तक खुद को नहीं बदलूंगी जब तक दुनिया का नजरिया नहीं बदल जाता, क्योंकि आज अगर मैं बदल गई ना
तो वो दुनिया जो मैं बदलना चाहती हूँ, जिसकी शुरुआत मेरे ही घर से होती है, वो कभी नहीं बदलेगी यार. थैंक यू सो मच गाइज़.